एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे एपिसोड 2 में। तो आशा है कि आप सब अच्छे हो, अभी बहुत स्वस्थ हो। तो एपिसोड 2 शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं। लास्ट जो एपिसोड हम लोग का एपिसोड 1 है, उस एपिसोड 1 में हम सीखे थे कि हर चीज से कैसे सीखना है। अगर हम लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो किसी भी चीज से हम लोग सीख सकते हैं। तो लास्ट जो चीज से हम लोग सीखे हैं वो है चेस, मतलब कि शतरंज के गेम से कैसे सीखा जाए एटीट्यूड का कुछ पॉइंट। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग 4 पॉइंट सीखे थे कि चेस से कैसे अपना एटीट्यूड को डेवलप किया जाए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक से सीखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ओलंपिक गेम्स। आप सभी को पता है कि ओलंपिक गेम्स क्या होता है, या किसी ना किसी हर कोई को थोड़ा भी बहुत इसके बारे में नॉलेज है कि ओलंपिक में क्या खेला जाता है, ओलंपिक का प्लेयर कैसा खेलते हैं। हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज इसके अंदर है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तब तक इस वीडियो से मैक्सिमम नॉलेज आप एक्वायर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अभी बिजी हो, इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और बाद में पूरा काम खत्म करके फ्री होके फिर इस वीडियो को ठीक से देखिए, तब जाके आप वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन दे पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो चीज हम लोग सीख सकते हैं ओलंपिक प्लेयर से वो है डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड डेडिकेशन। आज दुनिया में अगर आपको, इस दुनिया से अगर आपको डेडिकेशन सीखना है तो एक ओलंपिक प्लेयर से अच्छा एग्जाम्पल पूरे दुनिया में नहीं हो सकता। क्या आपको पता है, एक ओलंपिक प्लेयर दिन में 14 घंटा 12 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर मेहनत करता है, 4 साल बाद जब ओलंपिक गेम होता है, उस गेम में, किसी भी गेम में, अगर 100 मीटर का रेस है, उस 100 मीटर का रेस को जीतने के लिए जो 10 सेकंड भागना पड़ता है, उस 10 सेकंड, इस 10 सेकंड का परफॉर्मेंस देने के लिए एक एथलीट सालों साल मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है। कैन यू इमेजिन, दिन में 14 घंटा इंटेंस एक्सरसाइज, दिन में 14 घंटा मेहनत, इस 14 घंटा, मतलब साल में 365 दिन, महीने का 30 दिन, कोई दिन छुट्टी नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस। इनके लिस्ट में ना कोई वैकेशन है, इनके लिस्ट में ना कोई छुट्टी है, और इनके लिस्ट में ना कोई एक्सक्यूज है, कुछ नहीं है। सिर्फ इन लोगों का लक्ष्य एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है, मेहनत करना, मेहनत करके ओलंपिक में जीत हासिल करना। अपने टारगेट के पीछे कैसे भागा जाए, और सभी का टारगेट फिक्स है, मतलब हर एक ओलंपिक प्लेयर के दिमाग में एक चीज फिक्स है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। अगर कोई इंसान आज अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9 सेकंड, तो 9 सेकंड को तोड़ने के लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, मुझे मेहनत करना है। इसको बोला जाता है डेडिकेशन, इसको बोला जाता है मेहनत। तो मेरे बातों से सिर्फ यहां से ट्रेनिंग मत लो, अपना खुद का रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो। इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आप YouTube में जाओ, YouTube में जाके वहां पे सर्च करो ओलंपिक प्लेयर्स, आपको मिल जाएगा बहुत सारा बायोग्राफी मिल जाएगा आपको, जिस बायोग्राफी आप देख के सीख सकते हो क्या सच में एक ओलंपिक प्लेयर हर दिन इतना घंटा करके मेहनत करता है। इंटरव्यू है वहां पे, आप बहुत सारे एथलीट के इंटरव्यू सुनो, वहां पे वो लोग खुद बोलेंगे कि हम लोग दिन में कितना घंटा करके मेहनत करते हैं। तो ये होता है डेडिकेशन। मैंने एक इंसान का बायोग्राफी पढ़ा था, उस इंसान, अगर क्रिकेट में किसी को लेजेंड कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वो सचिन तेंदुलकर है। लेकिन अगर अभी इस दुनिया में बॉक्सिंग में, अगर बॉक्सिंग में कोई किंग है, बॉक्सिंग में कोई लेजेंड है, तो एक ही नाम उठ के आता है जिसका नाम है मोहम्मद अली। अब बहुत कोई जानते हो मोहम्मद अली कौन है, बहुत अच्छे बॉक्सर है, बॉक्सर थे और बहुत लेजेंड है बॉक्सिंग में। तो मोहम्मद अली ने एक बात किए थे, उस इंसान ने एक बात कहा था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ लाइक ए चैंपियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ओलंपिक प्लेयर्स है, जो प्लेयर्स मेहनत करते दिन में 12 घंटा 14 घंटा, उन लोगों को मेहनत करना और ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग शौक से ट्रेनिंग लेते हैं, शौक से मेहनत करते हैं, नहीं, वो लोग मेहनत करते हैं, हर एक मिनट ट्रेनिंग उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं, उन लोगों का टारगेट फिक्स है कि मुझे ये मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं। हर किसी का वाइपर क्लियर है कि मेहनत क्यों कर रहा हूं। तो मोहम्मद अली ने
इन्होंने बताया क्या कि मैं हर एक मिनट ट्रेनिंग जो मैं ट्रेनिंग लेता हूं, जब मैं रेगुलर ट्रेनिंग लेता हूं तो मुझे ट्रेनिंग लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं खुद को बोलता हूं डोंट क्विट, सफर नाउ, कभी क्विट मत करो, अभी इसको झेलो, अभी सफर करो, ताकि आने वाले टाइम में आपका लाइफ एक चैंपियन के तरह रहे। इसको बोला जाता है डेडिकेशन। आप लोग खुद को एक क्वेश्चन करो, हम लोग स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स हैं, हम लोग क्या सच में इतना ज्यादा डेडिकेशन है, डेडिकेटली बिजनेस किए हैं? अगर आप लोग हम लोगों से पूछो, मेरा 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग में कंप्लीट हो चुका है, इस बिजनेस में स्मार्ट वैल्यू में 6 साल से कर रहा हूं, दिन में 14 घंटा करके 6 साल लगातार हम लोगों ने काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। इतना डेडिकेशन, रेगुलर इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, इतना डेडिकेशन नहीं करना पड़ता है। काश अगर इतना डेडिकेशन में होता, इतना डेडिकेटेड में होता, इतना मेहनत में करता, तो आज हम मेरा पोजीशन शायद बहुत बड़ा होता आज। तो इतना डेडिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। एक एथलीट वो हर टाइम 14 घंटा करके फिजिकल पेन को झेलता है, फिजिकल पेन को झेलता है, तब जाके 4 साल बाद जब ओलंपिक होता है, उस ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है, उसको इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, पूरा देश रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट सिर्फ फिजिकल पेन नहीं सहता, एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट मेंटल पेन भी सहता है। इस बिजनेस में जितना फिजिकल पेन है एक टाइम जाके, इस बिजनेस में उतना ही मेंटल पेन है। मेंटल पेन का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंटल पेन? एक चीज, अगर आपको लगता है कि हार्डवर्क, मैं अभी बहुत सारा हार्डवर्क कर रहा हूं, आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, एक चीज जानना पड़ेगा कि हार्डवर्क और स्ट्रगल में अंतर क्या है। हम लोग बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोग स्ट्रगल करते हैं, सक्सेसफुल लोग स्ट्रगल करके ऊपर उठते हैं। आपको समझना होगा व्हाट इज हार्डवर्क एंड व्हाट इज स्ट्रगल। जितने भी लोग सक्सेस का जर्नी में स्टार्ट किए हैं, अभी जितने भी एसोसिएट जीरो लेवल पे है, जिन लोगों का बिजनेस अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, सभी लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल का मतलब क्या है, हार्डवर्क का मतलब क्या है? हार्डवर्क का मतलब है दिन में मेहनत करना, दिन में घंटा रेगुलर मेहनत करना, इसको बोला जाता है हार्डवर्क। लेकिन स्ट्रगल किसको बोला जाता है? स्ट्रगल इसको बोला जाता है, एक काम आपको करना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप जानते हो उस काम को करने के बाद बहुत बड़ा फ्यूचर है, उस काम को करने के बाद बहुत लोगों का हेल्प होगा, बहुत लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो फिर आप उस काम को कर रहे हो, बहुत सारा बाधा आप पे आ रहा है, आपका फैमिली बाधा दे रहा है, आपका हर कुछ, बहुत सारा प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम को झेलने के बाद भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कभी गिर रहे हो कभी उठ रहे हो, फिर भी आगे बढ़ रहे हो, इसको बोला जाता है स्ट्रगल। अगर इस टाइम में वो इंसान स्ट्रगल नहीं झेलेगा तो बाद में जाके वो इंसान हार्डवर्क नहीं करेगा। आज शाहरुख खान इतना बड़ा सक्सेसफुल होने के बाद भी रेगुलर दिन में 12-13-14 घंटा करके मेहनत करता है। क्यों? स्ट्रगल पीरियड में है शाहरुख खान, नहीं, वो हार्डवर्क करते हैं। क्यों हार्डवर्क करते हैं? क्योंकि एक टाइम में स्ट्रगल किया है। तो आज हमें स्ट्रगल करना है, अगर आज हम स्ट्रगल करेंगे तो आने वाले टाइम में हम भी हार्डवर्क कर पाएंगे। तो हार्डवर्क करना ही है, लेकिन पहले स्ट्रगल पीरियड को, स्ट्रगल फेज को हमें ओवरकम करना है। तो हर एक एसोसिएट एक बार ध्यान दो, अगर सच में इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क हम लोग करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना उतना मुश्किल नहीं है। हम लोग किए हैं, एक टाइम तक किए हैं, लेकिन आज हम लोग के जीवन में उतना स्ट्रगल नहीं है, लेकिन आज हम लोग फिर भी हार्डवर्क करते हैं। क्यों हार्डवर्क करते हैं? क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट हम लोग सीख सकते हैं यहाँ से, वो है नेवर गिव अप और नो एक्सक्यूजेस। नेवर गिव अप का मतलब क्या है? कभी हार ना मानना, हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हार ना मानना। तो आपको पता होगा एक ओलंपिक 4 साल बाद होता है, मतलब हर एक 4 साल के अंतर में ओलंपिक का गेम होता है। तो एक बार आप इमेजिन कर लो, एक इंसान, एक एथलीट 4 साल मेहनत करता है, 4 साल दिन में हर दिन रेगुलर 14-12 घंटा करके मेहनत करने के बाद 4 साल में फिर वो कम्पीट करने के लिए जाता है ओलंपिक में, और वहां पर वो अकेला नहीं होता। अगर दुनिया में 100 कंट्री है तो 100 कंट्री में से मिनिमम 100 प्लेयर उसके साथ कंपीट करने के लिए उस गेम में रहता है, उस ओलंपिक में रहता है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उस इंसान को, एक एथलीट को 100 ऐसे लोगों के साथ लड़ना है जो सभी कोई बहुत डेडिकेटेड है, और उनमें से एक ही इंसान को मिलेगा गोल्ड मेडल। तो इसका मतलब क्या है? हर एक एथलीट, हर एक ओलंपिक चैंपियन जो है 4 साल मेहनत करता है, लगातार दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन एक ही को गोल्ड मिलता है।
तो अगर 100 में से एक इंसान को गोल्ड मिलता है तो बाकी 99 जो इंसान है 99 जो इंसान है उनको कुछ नहीं मिलता है। वो 4 साल देने के बाद ओलंपिक में फेलियर हो जाता है। आपको क्या लगता है फेलियर होने के बाद क्या हार मान जाता है? नहीं, वो फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से मेहनत करता है, आने वाले 4 साल के बाद जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसको बोला जाता है नेवर गिव अप माइंडसेट, इसको बोला जाता है चैंपियन और नेवर एक्सक्यूज। ये लोग कभी एक्सक्यूज नहीं देते। एक्सक्यूज का मतलब क्या है? बहाना। इन लोगों के पास बहाना नहीं होता है देने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं। इन लोगों के पास क्लियर है, इन लोगों के पास अपना टारगेट अपना गोल क्लियर है, कितना मेहनत करना है, रेगुलर कितना भागना है, कितना हार्डवर्क करना है, ये पूरा गोल इन लोगों के पास क्लियर है। ये लोग एक्सक्यूज नहीं देते। आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी बोलूंगा। उस स्टोरी में, स्टोरी के अंतिम में आप खुद, स्टोरी जब खत्म होगा स्टोरी में आप खुद देख लेना, खुद आप अपने आप से पूछना कि सच में एक इंसान कितना मेहनत करता है, उसके अंदर कितना उसके अंदर ये एटीट्यूड रहता है, एटीट्यूड भर भर के रहता है, फिर जाके एक इंसान दुनिया में इतना बड़ा नाम करता है ओलंपिक में। तो एक स्टोरी है एक इंसान का, एक लेजेंड का। इन 1938 हंगरी बोल के एक देश है इस दुनिया में, तो वहां पे हंगेरियन आर्मी में वो इंसान वहां का आर्मी था और उस इंसान का नाम था कैरोले। तो इन 1938 में कैरोले जब हंगेरियन आर्मी का एक पार्ट था, तो आर्मी होने के साथ साथ देश का सेवा करने के साथ साथ कैरोली का एक सपना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया जाए, गोल्ड मेडल वो भी ओलंपिक में और शूटिंग में। तो कैरोली ने सालों साल बहुत मेहनत किया शूटिंग को अच्छा करने के लिए। साल मेहनत करने के बाद, सालों प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अच्छा शूटर बन गया था। और उस देश में, हंगरी में देश में जितना कंपटीशन होता था, हर एक कंपटीशन में वो जाके नाम देता था और हर एक कंपटीशन जीत जाता था। तो ऐसे जीतते जीतते बहुत सारा मेडल, बहुत सारा प्राइस उनको मिल चुका था। लेकिन उसका सपना कुछ और था, कैरोले के सपना कुछ और था। उनका सपना था कि इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। ये सपना लेके कैरोले ने बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक, एक दिन 1938, एक दिन अचानक आर्मी कैंप में प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और हादसा सुनने के बाद आप सोचना, इतना बड़ा हादसा एक इंसान के साथ हो गया जो इतना डेडिकेटेड है, इतना सपना उसके पास था, इतना सपना देखता था, उस इंसान के साथ बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ, उस आर्मी कैंप में ट्रेनिंग करते करते किरौली के जो बेस्ट, जो बढ़िया हाथ, सालों ट्रेन करके वो हाथ बनाया था, उस हाथ में एक ग्रेनेड फट गया और एक ग्रेनेड फटने के बाद उसका हाथ पूरा नष्ट हो गया। आप सोच सकते हो एक इंसान इतना मेहनत करने के बाद जो हाथ को तैयार किया था वो हाथ रातों रात नष्ट हो गया एक ग्रेनेड के फटने की वजह से। एक इंसान का सपना टूट के चूर हो गया। जब एक इंसान का सपना टूटता है तब एक इंसान अंदर से बहुत टूट जाता है। तो एक महीना कैरोले टोटली हॉस्पिटलाइज था, उस हाथ का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब उस इंसान के पास दो ही रास्ते, या तो एक ऐसा जगह चले जाए अपने आप को, एक अपने आप को इस दुनिया से पूरा दूर कर ले, रोता रहे पूरा जिंदगी कि मेरा हाथ बेस्ट हाथ था लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या किया, मेरा हर ऑप्शन मुझसे छीन लिया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक तो ये ऑप्शन था, लेकिन दूसरा एक ऑप्शन था जो चैंपियन का ऑप्शन है। उस ऑप्शन में क्या था कि जो चला गया उस सोच के कुछ फायदा नहीं, लेकिन जो है, जो ये हाथ है, दूसरा जो हाथ है, उस हाथ को कैसे जीरो से शुरू करके इस हाथ को कैसे फिर से बनाना है, ये एक दूसरा ऑप्शन है, ये चैंपियन का ऑप्शन है। आपको पता है उस इंसान ने किस ऑप्शन को चॉइस किया? कैरोले ने चॉइस किया इस हाथ को नए से बनाना, एक ऐसा हाथ जिस हाथ से कभी लिखता भी नहीं था, एक ऐसा हाथ जो जिस हाथ को कभी इस्तेमाल ही नहीं करता था। उस हाथ को किरोले ने ठान लिया कि इस हाथ को एक बहुत ही अच्छा शूटिंग हैंड बनाना है। एक साल लगातार मेहनत किया, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होके निकलने के बाद एक साल लगातार मेहनत किया और लगातार मेहनत करने के बाद एक दिन वो दिन आ गया जिस दिन वो हाथ बहुत अच्छा हाथ बन चुका था, एक अच्छा शूटिंग हैंड बन चुका था, बाएं हाथ से भी एक बहुत बढ़िया निशाना लगा सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, 1939 हंगरी में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ
वहां का नेशनल टूर्नामेंट हुआ था। उस नेशनल टूर्नामेंट में हंगरी में बहुत सारे यंग शूटर आए थे, उस शूटिंग कंपटीशन में केरोली ने अपना नाम दिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो जब पार्टिसिपेट करने के बाद जब टूर्नामेंट का टाइम आया, जब मौका आया, उस टाइम में वहां पे बहुत सारे नए लोग आए थे, नए शूटर आए थे। तो वहां पे जब केरोली ने मतलब जब केरोली ने वहां पे गया तो केरोली ने केरोली को देख के बाकी जितने कंपटीटर थे, बाकी जितने पार्टिसिपेंट थे, सब देख के बहुत चौंक गए और खुश होने लगे कि देखिए इसको बोला जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इंसान यहाँ पे आया है हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए। लेकिन केरोली ने बात सुन लिया और सुनने के बाद केरोली ने उन लोगों को जवाब दिया कि मैं यहाँ पे आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आपके साथ कम्पीट करने के लिए आया, लड़ो मेरे साथ। तो वहां पे पूरा फाइट हुआ, वहां पे पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ और उस टूर्नामेंट में कौन जीता आपको पता है? उस टूर्नामेंट में जीता केरोली, वहां का टूर्नामेंट जीत गया था। लेकिन केरोली यहाँ पे नहीं रुका, उसने टारगेट लिया, ठान लिया कि इस देश का तो बेस्ट हाथ ये मैं बना चुका हूं लेकिन यहाँ पे नहीं रुकना है, इस पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट हैंड शूटिंग हैंड इस हाथ को बनाना है। फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक साल फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसका सपना था 1940 में जो ओलंपिक होने वाला था उस ओलंपिक में नाम देने के लिए, उस ओलंपिक के लिए केरोली अपने आप को तैयार कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, देखिए वर्ल्ड वॉर होने के कारण, विश्व युद्ध होने के कारण उस टाइम 1940 में पूरा ओलंपिक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे केरोली ने रोका नहीं, फिर से मेहनत किया, फिर से चार साल अपना लगा दिया। दोबारा 1944 में जो नया होने वाला था, 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था उस ओलंपिक के लिए अपने आप को तैयार किया। लेकिन देखिए खेल क्या होता है, 1944 में भी जो ओलंपिक होने वाला था वो ओलंपिक भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर चलने के कारण। कैन यू इमेजिन, इतना मेहनत करने के बाद, अपना सपना इतना पास होने के बाद भी वो अपने सपने को नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन उसने हार नहीं माना, फिर से मेहनत करना शुरू किया। 1948 में जो ओलंपिक आने वाला था उस ओलंपिक के लिए तैयार हुआ और वो समय आ गया। चार साल लगातार मेहनत करने के बाद 1948 में, तब केरोली का एज हो चुका था 38 इयर्स। 1938 में जब उसने शुरू किया था उस टाइम में उसका एज था 28 इयर्स और 1948 में उनका एज हो चुका था अप्रोक्स 38 इयर्स। तो जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए केरोली, तो उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत देश से बहुत सारा चैंपियन आया था और सभी यंग थे और सभी बेस्ट, अपने अपने कंट्री के बेस्ट शूटर थे। आप सोच लो उस उम्र में ऐसा डेडिकेशन, वो कंपटीशन हुआ, ओलंपिक हुआ और आपको पता है उस ओलंपिक में कौन जीता? ऑब्वियसली उस ओलंपिक में केरोली ने जीत लिया। 1948 में ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो किसी ने एक हाथ से परफॉर्म किया और वह का गोल्ड मेडल लेके आया। लेकिन केरोली ने यहाँ पे रुका नहीं, फिर से मेहनत किया, उसने ठान लिया कि मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना है आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। आने वाले चार साल बाद 1952 फिर से ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में फिर से केरोली ने नाम दिया और उस ओलंपिक में भी अब गोल्ड मेडल लेके आया। ऐसा एक हिस्ट्री, ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड केरोली ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बना चुका था जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। दो साल लगातार गोल्ड मेडल जीतना ये ओलंपिक में बहुत बड़ा बात है। तो देखिए इसको बोला जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर वो इंसान चाहता तो एक्सक्यूज दे सकता था कि मेरा बेस्ट हैंड था, ये मेरे पास अभी नहीं है तो मैं क्या करूं, एक्सक्यूज देके भाग सकता था, एक्सक्यूज देके बच सकता था। लोग भी उसको देखते, लोग भी उसको सहमति देते, नहीं ठीक है इसके पास वो हाथ नहीं है, अगर हाथ रहता तो बहुत कुछ कर लेता, हाथ नहीं है। लेकिन उसने रोका नहीं, उसने एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने गिव अप नहीं किया, उसने काम किया। तो आपको देखना है, हम लोग भी स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, हम लोग भी स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स हैं, हम लोग को भी एक्सक्यूज नहीं देना है। बहुत सारा एसोसिएट एक्सक्यूज देता है। क्यों एक्सक्यूज देता है? वो काम ना करने का बहाना ढूंढता है, काम कैसे ना हो, काम ना करने का बहाना ढूंढता है। इनवाइटिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है। मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। लोग बहाना ढूंढते काम नहीं करने के लिए। इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को लोग नंबर्स में होते हैं,
गिने जाते हैं वो लोग, कितने लोग सक्सेसफुल है गिने जाते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सक्यूज नहीं देते हैं। तो हम लोग भी स्मार्ट वैल्यू करेंगे, हम लोग भी माइंडसेट लेंगे एक्सक्यूज नहीं, किसी भी सिचुएशन में एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें अपॉर्चुनिटी को देखना है कि इस सिचुएशन में रह के मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, अभी मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास यूनिक क्या है। हाँ, मैं अच्छा बात नहीं बोल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेनिंग का मामला है। जब टाइम जाएगा धीरे 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 डेवलप होने जाएंगे हम लोग। लेकिन मुझे देखना है, अगर मेरा 3 महीना हुआ इस बिजनेस में, बहुत कोई 3 महीना बिजनेस में है, बहुत कोई 1 साल है, बहुत कोई 2 साल है, बहुत कोई 4 साल है, हार नहीं मानना है। मुझे देखना है मेरा 3 महीना हो गया, इसका मतलब कि क्या बहुत सारा एसोसिएट क्विट कर गया, लेकिन मेरा 3 महीना मैं अभी टिका हुआ हूं, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ऐसा बात है मेरे अंदर जो मैं टिका हुआ। सबसे बड़ा चीज है मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, लाखों भीड़ 130 करोड़ आबादी में से मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझने का ऊपर वाले ने मेरा उतना दिमाग दिया सोचने का कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मैंने चॉइस किया। मेरे साथ भी बहुत लोग प्लान शो सुने थे, लेकिन वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं किए। मैं बहुत लकी हूँ, मैं अच्छा समझता हूँ, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। तो मैं लाखों भीड़ से मैं अलग हूँ, मेरा सोचने का तरीका अलग है। मेरा 1 साल हुआ, इसका मतलब 1 साल में मैंने बहुत कुछ चुनौतियां देखा इस बिजनेस में। 1 साल में बहुत कोई छोड़ के चला जाता है बिजनेस, लेकिन मैं टिक गया, तो कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो अच्छा एटीट्यूड है जो मैं टिका हुआ हूँ। मेरा 2 साल हो गया मैं फिर भी टिका हुआ, मेरा 3 साल हो गया मैं फिर भी टिका हुआ हूँ, तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो ऐसा बात है, कुछ तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है जो छुपा हुआ है। तो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दो, अपने वीकनेस के ऊपर ध्यान मत दो, क्या कर सकते हो इसके ऊपर ध्यान दो। ये जो चीज हम लोग एटीट्यूड बोल रहे हैं, ये सब कहां से सीखे हम लोग? ऐसे नहीं सीखे, बचपन से ये एटीट्यूड नहीं होता है, लोग देख के सीखते हैं। आज हम लोग सीखे बिजनेस में ये टोटल सब एटीट्यूड, ये लोग बोलने से कोई नहीं सीखता है, क्योंकि इंसान जो देख के सीखता है। तो हम लोग जितने भी एटीट्यूड सीखे हैं किसी ना किसी लीडर से देख के सीखे हैं। और आज मेरे अंदर अगर सच में कोई पॉजिटिव चेंजेस है, कुछ अच्छा एटीट्यूड है, तो ओनली आज स्मार्ट वैल्यू के सीनियर लोगों के वजह से, स्मार्ट वैल्यू के सीनियर्स के वजह से। आज मिस्टर विकास घोष सर जी हैं, अमित राय जी हैं, कितने सारे सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों के वजह से आज हम लोग सीखे हैं। विश्वजीत घोष सर जी, बहुत लोग हैं जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड देख देख के हम लोग सीखे हैं कि हार ना मानना किसको बोला जाता है, कभी भी एक्सक्यूज ना देना किसको बोला जाता है, तबीयत खराब है लेकिन फिर भी काम करना, फिर भी बिजनेस करना किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एटीट्यूड। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट कर चुके हैं, तो तीसरा पॉइंट हम लोग जो सीख सकते हैं यहाँ से वो है ओवर योर कोच एंड रिस्पेक्ट, मतलब अपना जो कोच गुरु है उनको रिस्पेक्ट करें और उनका उनका बात सुने, ओबे करें। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर एक फील्ड में आज जो सक्सेसफुल है, जो कुछ ना कुछ किए हैं, हर किसी का अपना, हर किसी का किसी ना किसी समय कोई ना कोई गुरु था। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, सचिन तेंदुलकर का भी गुरु था। आप स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, उनका भी गुरु था। हर किसी कोई, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उनका गुरु होता है। आप एथलीट को देख लो, आप ओलंपिक में एक एथलीट को देख लो, कितना भी बड़ा एथलीट हो जाए, कितना भी बड़ा एथलीट हो जाए, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन उनका भी कोई ना कोई कोच होगा जो हर वक्त उसको पुश करेगा, आगे जाने के लिए पुश करेगा। तो एक कोच का रहना क्यों जरूरी है, एक कोच का काम क्या होता है? देखिए, हर वक्त कोच आपके साथ फील्ड में जाके काम नहीं करेगा, हर वक्त कोच नहीं करता है। जब एथलीट फील्ड में दौड़ते हैं तो कोच उसके साथ नहीं दौड़ता है, लेकिन कोच का काम क्या होता है? कोच का काम है एक इंसान के अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियलिटी को बाहर निकल के आना, ये कोच का काम होता है। तो कोच मैक्स टू मैक्स पुश करता है एक एक प्लेयर को, ताकि उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी है वो उभर के बाहर निकल आए, यही होता है कोच का काम। और आप देख लो, हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, हर एक इंसान का जीवन में कोच होता है। आप माइकल फिल्प्स को देख लो, आप बड़े बड़े एथलीट को देख लो, हर एक एथलीट का कभी ना कभी कोई ना कोई कोच था। तो यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, स्मार्ट वैल्यू में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये एक ऐसा बिजनेस है, ये भी एक सीनियर बिजनेस है, यहाँ का भी एक काम है। आने वाले टाइम में चाहो आप भी कोच बन सकते हो, लेकिन कोच बनने के लिए कहते हैं अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो पहले तो अच्छा स्टूडेंट बनना है, लेकिन एक टाइम बाद इस बिजनेस में आपका पूरा काम होगा कोच के जैसा। एक कोच जैसे एक स्टूडेंट को, एक प्लेयर को उसके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियलिटी है उसको बाहर निकाल के आता है, यहाँ पे भी स्मार्ट वैल्यू में एक एक लीडर का काम होता है, एक एक कोच का काम होता है वही काम करना।
तो ये चीज देखना है, ये थोड़ा ये बहुत कुछ सीखने का मामला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसी टॉपिक में बात किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज शॉर्ट में मुझे हमें समझना है कि कुछ का होना क्यों जरूरत है। ये तो हमें समझ में आएगा कि कुछ का रहना क्यों जरूरत है। सच में एक जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ का रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ मिल गया तो आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा लकी हो। स्मार्ट वैल्यू करते करते अगर आपको किसी कोई एक कोच मिल गया जो आपको गाइड करता है तो आपसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर निराश मत हो, अगर आपको ऐसा कोच नहीं है, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो ये टेंशन मत लो, आप अपना काम करते जाओ। एक टाइम जाके, एक बहुत टाइम होगा, एक टाइम जाके आप भी बहुत बड़े कोच बन जाएंगे, क्योंकि तब मार्केट का हर एक प्रॉब्लम, हर एक चुनौती आपको उतना मजबूत बना देगा कि आने वाले टाइम में आप हजारों लाखों लोगों को सहारा बन सको, हजारों लाखों लोगों को ऊपर लेके आ सको। लेकिन क्या, लेकिन हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखना है जीवन में। कोई भी अगर हमें कुछ ना कुछ सिखाया है तो हमें उसके ऊपर ग्रेटफुल होना है। हर किसी के पास, मैं कहीं से भी कुछ भी सीखता हूं, किसी के पास भी बचपन से, हम लोगों के पास बचपन से कोई ना कोई कोच हमें रेगुलर मिला है, जो हमें जो टीचर हमें पढ़ाता था वो भी एक टाइम में हमारा कोच था। तो बचपन में अगर मैं अपना पर्सनल बोलू तो मेरे बचपन से शुरू होके अभी तक जीवन में बहुत सारा स्टेज हुआ है, हर एक स्टेज में मुझे कोई ना कोई कोच तो मिला ही है, हर एक कुछ से कुछ ना कुछ सीखने का मामला। जैसे मेरा एक टीचर था, तो टीचर मैं पढ़ाई में अच्छा था, उतना बुरा भी नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था ज्यादा। तो एक टीचर था जो टीचर मुझे बहुत डांटता था, बहुत ज्यादा मारता था और बहुत पनिश भी करता था, और मैं जबरदस्ती और पढ़ाई नहीं करता था। तो टीचर मुझे क्या करता था, तो रेगुलर इतना टॉर्चर करता था, मारता था, 400 बार उठक बैठक करवाता था दिन में। आप सोच लो तो कुछ भी हो जाए, अगर हाँ हो सके तो पढ़ाई नहीं समझ में आया, लेकिन जो 400 बार उठक बैठक हुआ, इसलिए क्या हुआ, मेरा शरीर मजबूत हो गया, फिजिकली मैं मजबूत हो गया। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो मुझे याद है एक टाइम में मुझे कोई ना कोई किसी ने कंप्यूटर, एक टीचर था जो बचपन से मुझे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, कंप्यूटर के ऊपर इंटरेस्ट लेके आया था। आज उस टीचर की वजह से आज सच में मैं थोड़ा कंप्यूटर के बारे में कुछ जानता हूँ, तो टीचर की वजह से जानता हूँ। आज मैं बहुत प्रेजेंटेशन बना पाता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, बहुत कुछ नॉलेज ले पाता हूँ, तो टीचर का देन है। तो हमारे जीवन में भी हर किसी का, मैं किसी के पास से कुछ सीखता हूँ तो उसे उसके नाम पे कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। किसी के पास से मैं अगर कुछ सीखता हूँ तो उसके ऊपर ग्रेटफुल होना है। तो स्मार्ट वैल्यू में भी हम लोगों को बहुत सारे गुरु मिलते हैं, हम लोगों के सीनियर मिलते हैं, लेकिन देखिए किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना है, हर किसी को रिस्पेक्ट करना है। मैं कोई सीनियर मुझे लिस्ट बिल्डिंग सिखाया है, कुछ ना कुछ तो सिखाया है, तो मुझे ग्रेटफुल होना है। हाँ ये बात है, यहाँ पे इस बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस में जहाँ पे आप किसी को, किसी इंसान को इंस्पिरेशनल फिगर, कोई इंस्पिरेशनल फिगर चाहिए इस बिजनेस में, तो अगर आपका इंस्पिरेशनल फिगर आपका कोच है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपका इंस्पिरेशनल फिगर आपका कोच नहीं है तो किसी को इंस्पिरेशनल फिगर मानो और अपना कोच का बात सुनो, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आज, मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरा जो कोच है वही मेरा इंस्पिरेशनल फिगर है। मैं अगर मैं कुछ भी अभी जानता हूँ तो मैं उस इंसान की वजह से जानता हूँ, जो कौन और कोई नहीं, आज हमारे स्मार्ट वैल्यू के लेजेंड मिस्टर विकास घोष सर जी हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड लास्ट जो पॉइंट है या आखिर पॉइंट है, तो ये थोड़ा डिटेल्स में जानना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। लास्ट जो पॉइंट है वो है, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। अर्निंग मनी इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाना सिर्फ इन लोगों का ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप किसी भी एथलीट को उठा के देख लो, किसी भी एथलीट मेहनत करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसा वाइट प्रोडक्ट है। 4 साल अगर कोई एथलीट मेहनत करता है तो 4 साल उसको पैसा नहीं मिलता है, 4 साल अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो 4 साल में पैसा नहीं मिलता है, 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर ओलंपिक जीतता है फिर जाके पैसा मिलता है, लेकिन अगर 4 साल मेहनत करने के बाद ओलंपिक ना जीते तो 4 साल जो पैसा बर्बाद हुआ, पैसा खर्चा हुआ, पूरा पैसा तो वेस्ट है। सिर्फ पैसे के लिए एक इंसान मेहनत नहीं करता है, सिर्फ पैसे के लिए एक एथलीट प्रैक्टिस इतना हार्डवर्क नहीं करता है। एक एथलीट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, वो अलग ऑब्जेक्टिव लेके काम करते हैं, पैसा बाई प्रोडक्ट है। तो पैसा चाहिए, लेकिन इसमें सीखना है पैसा ओनली फोकस्ड नहीं होना चाहिए, अपने आप को तैयार ऐसे करना है कि पैसा बाई प्रोडक्ट है।
तो स्मार्ट घर में यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हमें तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी एक साल लगता है। हाँ, खुद के ऊपर कभी ना कभी खर्चा होता है, अच्छा ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, थोड़ा जर्नी करना पड़ता है, डिस्टेंस में जर्नी करना पड़ता है, अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता कुछ, यहाँ पे मुझे किसी चीज के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे अगर कुछ कुछ खर्चा करना है तो मेरे ऊपर करना है, ये मेरा खर्चा है। मुझे अच्छा ड्रेस कोड चाहिए, ये मेरा खर्चा है। मुझे अच्छा घड़ी पहनना है, मुझे जूता पहनना है, ये मेरे ऊपर खर्चा है। मुझे जर्नी करना है, ट्रेनिंग लेना है, ये खर्चा है, ये मैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये इन्वेस्ट अगर मैं पहला नहीं करूंगा तो कहां पे खर्चा करूंगा मैं? एक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी लोगों को खर्चा करना है। एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर, अगर कोई बॉडी बिल्डर ओलंपिक होता है, एक बॉडी बिल्डर 4 साल तक बॉडी के ऊपर सिर्फ खर्चा करता है। एक बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा है। अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का बॉडी बिल्डर बनना चाहे तो महीने में हजारों रुपए खर्चा है सिर्फ बॉडी को ठीक ठाक रहने के लिए। अगर जीतता है ओलंपिक, फिर उसे गोल्ड मेडल मिलता है, फिर उसे उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर नहीं जीतता है तो कोई रिटर्न नहीं मिलता है, पैसा खर्चा होता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में 4 साल अगर सच में मैं देता हूं तो 4 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गारंटी है। स्मार्ट वैल्यू में अगर 4 साल कोई देता है तो 4 साल में खाली हाथ नहीं जाता है। 4 साल अगर सच में मेहनत करता है, जी जान लगाता है और सच में अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, तो 4 साल जाने के बाद उसका बिजनेस होगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ पैसा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा फोकस्ड हो जाएगा तो हम लोग पहले महीने से, पहले दिन से सिर्फ पैसे का कैलकुलेशन करेंगे। एक महीना हो गया, आने जाने में 1500 खर्चा हो गया, रोजगार कितना हुआ, पैसे का कैलकुलेशन होगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक टाइम में जाके पैसा बहुत इनकम होता है, ये साइंस है। आप 5 साल रह जाओ, आपका इनकम होगा। आप 10 साल रह जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस है। नेटवर्किंग का पावर ये है, किसी भी इंसान को करोड़पति बना देता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। लेकिन सिर्फ पैसा फोकस्ड पहले दिन से नहीं होना चाहिए, कुछ अलग कारण होना है, कुछ इमोशनल कारण होना है, कुछ अलग वाइपर चाहिए। आपको स्मार्ट वैल्यू को प्यार करना है। आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आप करोड़पति नहीं बनते हो, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों के घर में रोजगार जाता है। ऑब्जेक्टिव अलग बनाना है, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ चाहे तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्टेज है और हम लोगों के पास भी पेशेंस भी बहुत कम है इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। लेकिन आज जितना सीखे हैं, अगर ये सच में ये बात ठीक से सीख जाए, ये एटीट्यूड हम लोगों के अंदर लेके आ जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। हम लोग शायद कुछ किए हैं, शायद कुछ हम लोग अपने एटीट्यूड को डेवलप किए हैं, तो शायद थोड़ा बहुत हम लोग को सक्सेस मिला। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग का बहुत बड़ा सपना है, हम लोग का ये टारगेट है कि स्मार्ट वैल्यू जो ब्रांड है ऑल ओवर इंडिया में स्मार्ट वैल्यू का ब्रांड लड़ाना चाहिए। एक एक स्मार्ट वैल्यू का लीडर ऐसा विजन लेके बिजनेस करना है कि आने वाले टाइम में स्मार्ट वैल्यू को इंडिया का ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाना है, और ऐसे विजन लेके हम लोग को काम करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 में एक नया टॉपिक लेके फिर से बात करेंगे। तब के लिए बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ।